हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे तीन से लेकर चार अक्टूबर के मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और हमने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं अगर आप एक काम करना चाहते हैं जिसमें एजुकेटर्स कंटेंट राइटर्स एग्जाम्स पेपर सॉल्वर्स टाइपिस्ट अगर ये काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर करियर ऑप्शन है हमारी वेबसाइट पर डब्ल्यू डब्ल्यू वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है। तो एक और प्रश्न था मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था इन दो प्रश्नों के जवाब जो है वो प्रतिभा श्रीवास्तव ने अच्छा करा है कि मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन गोपाल से होता है राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो अनुच्छेद तीन छप्पन के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है यह उस समय प्रयोग किया जाता है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अंतर्गत आ जाता है राष्ट्रपति शासन के पश्चात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि ही, ही होता है ठीक है राष्ट्रपति शासन छह महीने या अधिकतम तीन साल तक लगाया जा सकता है छह छह साल सॉरी तीन साल तक लगाया जाता है छह महीने इसको बढ़ा दिया जाता है छह महीने के लिए लगाया जाता है फिर छह महीने फिर बढ़ा दिया जाता है इस तरीके से तीन साल तक इसको दगाया जा सकता है मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन तीस चार उन्नीस से छब्बीस छीस सौ पांचवी एवं छठवी विधानसभा की अवधि के मध्य लगाय, लगाया लगाया गया था राष्ट्रपति शासन जब ये लगा था 1977 में पहली बार तब इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्यामा चरण शुक्ल और इसके बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वे थे कैलाश चंद्र जोशी राज्यपाल तब थे सत्यनारायण सिन्हा मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक छठवीं तथा सातवीं विधानसभा की अवधि के मध्य लगाया गया था राष्ट्रपति शासन से पहले मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन सिंह और अर्जुन सिंह का जो आ, सबसे कम मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है ये सिर्फ एक बार एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे ये भी ध्यान रखिए सबसे कम है इसके बाद फिर राजा नरेश चंद्र जो हैं, उनका नाम आता है राज्यपाल थे भगवत दयाल शर्मा तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 16 दिसंबर उन्नीस से 6 दिसंबर उन्नीस तक नौवीं एवं दसवीं विधानसभा के मध्य ठीक है इस राष्ट्रपति शासन के पहले मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे और राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री बने थे दिग्विजय सिंह जो करीब दस साल तक मुख्यमंत्री रहे थे इनका जो कार्यकाल है शिवराज लगातार वाला अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह का ही कार्यकाल था और उसके बाद अब बात आती है शिवराज सिंह चौहान की तो अब शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल सबसे बड़ा हो चुका है ठीक है राज्यपाल उस समय थे मोहम्मद शफी कुरैशी ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में अभी तक तीन बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया है संजय दांगी ने भी इसको अच्छा आंसर किया है इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की जो मासिक पत्रिका है मध्य प्रदेश संदेश ये ई पत्रिका के रूप में भी उपलब्ध है और सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल जिले से ही प्रकाशित होते हैं और एक और चीज उन्होंने बताया है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब भारत की राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद थे ठीक है और राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लगाया गया और सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया ठीक है और सर्वाधिक समय तक पंजाब में लगा है ठीक है तो ये यहाँ पे भी आप आ, मतलब इससे संबंधित और जो जानकारी है वो आप यहां से पढ़ सकते हैं 1950 से वर्ष 2018 तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है ठीक है केंद्र शासित दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद दो सौ के तहत लगाया जाता है मतलब ये पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी आज के लिए हमारे प्रश्न है ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था ये जुलाई तक का हमारा करंट अफेयर है अगस्त सितंबर का भी जल्द ही आने वाला है ठीक है और ये सिक्स मंथ का एडिशन भी है अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं ये कुछ नोट्स हैं ये भी आप अगर लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं इसके बारे में इस बार कोड को स्कैन करके डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एक और चीज है आ, अभी कल करंट अफेयर नहीं आया आप लोग को ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हो अभी गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही हो चुनाव होने के कारण आचार संहिता लगी हुई है अब आचार संहिता लगी है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो मैं आपको ये थोड़ी बत, बताऊंगा कि यार फला जगह यार मर्डर हुआ है या फला जगह रेप हुआ है ये सब थोड़ी ना करें अफेयर होता है इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करने की धमकी मत दिया करें ठीक है अगर आपको अनसब्सक्राइब करना है आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे ठीक है धमकी मत दिया करें लेकिन ठीक है कि मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाला तो आपने धमकियां देना शुरू कर दिया आप बिल्कुल शौक से बड़े आराम से अनसब्सक्राइब करना चाहें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन धमकी मत दीजिए आप ठीक है कि कमेंट करके आप मुझे धमकियां दे रहे हैं मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार कि आप एक दिन पेशेंस नहीं रख पा रहे हो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करोगे यार तीन साल से जो बंदे लगे हुए हैं यार उनके पास उनको कितना पेशेंस रखा हुआ है कितना धैर्य रखा हुआ उन लोगों ने है ना तो ये चीज थोड़ा सा रखा करो अपने पास चलिए पहला प्रश्न है गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के नए शोरूम पावर प्लेनेट का शुभारंभ कहा किया गया तो जो पावर प्लेनेट है इसका शुभारंभ किया गया है राजधानी भोपाल में गांधी जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर ठीक है 2 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का नया शोरूम द पावर प्लेनेट का शुभारंभ किया गया है ये शुभारंभ किया गया इसका कहां पर गौहर महल में ठीक है गौहर महल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं चलिए कमेंट करके बताएं कि गौहर महल जो है ये कब बना था और इसे किसने बनवाया था इसके अंदर टेराकोटा और सेरेमिक की आकर्षक और कलात्मक वस्तुएं कला प्रेमियों के लिए वर्ष भर उपलब्ध यहां पर रहने वाली है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये उन्नीस में की गई थी ध्यान रखिए मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम प्रश्न एग्जाम में एज इट इज पूछा जा चुका है ठीक है और एपीपीएससी व्यापम के एग्जाम में ही पूछा गया था दूसरी चीज उन्नीस में उन्नीस में इसका नाम चेंज किया गया इसका नाम रख दिया गया मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथ विकास निगम मतलब इसमें हथ विकास निगम को ऐड कर दिया गया इसका दो में एक बार फिर से इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रख दिया गया संत रविदास के नाम पर तो संत रविदास संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम इसका नाम कर दिया गया तो यह जानकारी भी आप याद रखिए अगला प्रश्न है आलमी तबलीगी इज का के आयोजन को हाल ही में स्थगित किया गया है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है तो ये बड़ा आसान है भोपाल सबको पता होगा ये चार दिवसीय इजमा का आयोजन जो है वो भोपाल में किया जाता रहा है अभी तक मतलब इस बार ये जो था ये मतलब तिहत्तरवा एडिशन था इसका बहत्तर साल से लगातार ये आ, किया जाता रहा है चार दिवसीय होता है इस जी के भी आप ध्यान रखिए चार दिन तक ये लगता है एक एक मेला तरीके से आप समझ सकते हैं जहां पर मुस्लिम समाज की जो अलग अलग जमातें होती हैं वो यहाँ पे आते हैं देश से ही नहीं पूरे विश्व भर से यहाँ पर उस दिन जो लोग हैं वो आते हैं हर साल इसका आयोजन नवंबर में किया जाता है इस साल 27 से 30 नवंबर तक ये प्रस्तावित था लेकिन अभी कोरोना की स्थितियों को देखते हुए इसको दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है ठीक है और इसको फिर क्या कर दिया गया है स्थगित कर दिया गया है इसके कोरोना के चलते ये नवंबर में आयोजित नहीं किया जा रहा है ठीक है आयोजन इसका कहां होता है इसका आयोजन किया जाता है भोपाल में ईट खेड़ी करके एक जगह है ईट खेड़ी भोपाल के पास में ही है और ईट खेड़ी में इसका आयोजन किया जाता है पहले ताजुल मस्जिद में इसका आयोजन किया जाता था लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कई लाखों लोग यहां पर आते हैं पूरा भोपाल में सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं और तब इसका आयोजन होता है क्योंकि बहुत ज्यादा रश भोपाल में हो जाता है अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया साइकिल फोर चैलेंज में साइक्लोथॉन आयोजित की गई तो ये इस शहर जो है मध्य प्रदेश का ये शहर है आपका इंदौर इंदौर में साइक्लोथॉन आयोजित किया गया इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज के नाम से और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छता में स्वच्छता के बाद साइकिलिंग में भी इंदौर अब नंबर वन बन बनने के उद्देश्य से ये साइक्लोथॉन आयोजित करी गई थी सत्य साई चौराहे से एल चौराहे तक और एल से वापिस सत्तासाई तक साइकिल चलाकर साइक्लोथन में लोगों ने हिस्सा लिया इसमें कलेक्टर जो है उन्होंने भी हिस्सा लिया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपको याद रखना है इंदौर बनेगा साइकिलिंग फ्रेंडली शहर ठीक है तो ये इसको लेके हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि साइकिलिंग को लेके काफी क्रेज जो है वो इंदौर में बढ़ता जा रहा है तो ये आपको थीम याद रखनी है इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में अगला प्रश्न है देखिए क्या है एक साठ वर्ष से अधिक आयु वर्ग के यानी 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो रचनाकार हैं जो साहित्यकार हैं उनकी जो प्रथम काव्य कृति है पहली पोथी सम्मान के लिए सादर आमंत्रित की गई थी ठीक है पहली पोथी सम्मान ये उनको दिया जाता है 60 वर्ष की आयु में जो पहला पहली जो रचना करते हैं अपनी या से अधिक आयु में जो रचना रचना करते हैं ठीक है तो उसमें तीन लोग थे निर्णायक मंडल में तो उन्होंने श्याम सुंदर तिवारी की कृति मैं किन सपनों की बात करूं का चयन इस सम्मान हेतु यानी कि पहली पोथी सम्मान हेतु उनका चयन किया गया है मैं किस, मैं किस किन सपनों की बात करूं इस सम्मान के अंतर्गत चयनित रच, रचनाकार को ग्यारह हजार रुपये नगद राशि सम्मान पत्र श्रीफल और दुशाला से माह अगस्त में समारोह पूर्वक सम्मानित किया जाना था हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसको नहीं किया गया अब इसका जयपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा अगर सारी स्थितियां ठीक रहती हैं तो आ, किया जाएगा अदरवाइज इसको फिर ऑनलाइन किया जाएगा इसमें केवल बेही रचनाकार अपनी पुस्तक भिजवा सकते थे जिनकी पहली पुस्तक साठ वर्ष से अधिक की आयु में प्रकाशित हुई हो हु। ठीक है आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको अवार्ड की राशि याद रखनी है किस कृति के लिए दे दिया गया है ये याद रखना है और इनका नाम याद रखना है सम्मान तो आपको याद रखना ही है कि ये सम्मान कौन सा है ब्लॉग आप हमारे ब्लॉग को भी देख सकते हैं बहुत एमपी का करंट अफेयर एमपी का इतिहास काफी चीजें हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं कुछ चीजें हमने शुरू कर दी गई हैं इसमें आपको ब्लॉगिंग के लिए बहुत बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं ज्यादा कंटेंट अभी नहीं है जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं कंटेंट ज्यादा नहीं मिल पाएगा और इस तरीके से हो सकता है अगर कंटेंट नहीं मिलता है तो मैं दो दिन में एक वीडियो आपको कोशिश करूंगा कि मैं देता रहूं वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए शेयर करिए वीडियो को थैंक यू वेरी मच